हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जितने भी एस्परेंट जो गेट 2022 दिए थे और उनका गेट 2022 अच्छा नहीं जा पाया है ड्यू टू एनी रीज़न, मुझे रीज़न नहीं मालूम, और वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और उनने अपना अच्छा स्कोर कर रखा है बीटेक में, यानी कि वो अपनी क्लास में अपने डिपार्टमेंट में टॉप 5 में हमेशा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, और उनके परसेंटेज जो मार्क्स हैं बीटेक में वो भी बहुत अच्छे बने हैं। तो उन सभी लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आईआईटी गांधीनगर ने अर्ली एडमिट एमटेक एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको ऑन कर दिया है। मतलब एमटेक में एडमिशन जो हैं वो अर्ली एडमिट के थ्रू हो रहे हैं आईआईटी गांधीनगर में, और ये जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ कि ये जो डिसिप्लिन हैं कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग में हैं, केमिकल में हैं, सिविल, कंप्यूटर साइंस, अर्थ, इलेक्ट्रिकल, मटेरियल और मैकेनिकल, अगर आप इनमें से किसी भी एक इन डिसिप्लिन में फॉल करते हैं तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात यह है जो मैं आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ कि गेट स्कोर इज़ नॉट मैंडेटरी। ये यहाँ का बहुत अच्छा पॉइंट है जो इस एमटेक एडमिशन की आप ये बोल सकते हैं यूएसपी है। अगर आपके पास गेट स्कोर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो तभी भी वैलिड है, तभी भी आप इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है, यानी कि आप जो गेट स्कोर आप जो गेट 2022 के थ्रू जाना चाहते थे आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पर इन्होंने बता भी रखा है जो आपको स्टाइपेंड मिलेगी वो 15,400 की मिलेगी। ठीक है, उनके लिए जिनके पास गेट स्कोर है, और जिनके पास गेट स्कोर नहीं है उनको 6,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। ठीक है, और इन्होंने बोल रखा है कि गेट मैंडेटरी नहीं है। अगर आप स्टाइपेंड में बूस्ट चाहते हैं, अगर आप 15,400 की स्टाइपेंड चाहते हैं और आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आपके पास गेट स्कोर कार्ड है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट समझिएगा कि आपके पास गेट स्कोर कार्ड है लेकिन आपके पास उतना स्कोर नहीं है कि आप गेट के थ्रू एमटेक में एडमिशन ले पाएँ, तो आप इसमें विदाउट गेट स्कोर के अप्लाई कर दीजिएगा, और जब एडमिशन हो जाए तो फिर आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू, जो आपके पास लेस स्कोर का स्कोर कार्ड है उसके थ्रू आप स्टाइपेंड 15,400 की ले सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनको तो सिर्फ 6,000 की ही मिलेगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है कि बीटेक होना चाहिए फ्रॉम एनआईटी और सेलेक्टेड कॉलेज। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसमें हर कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा, या तो वो एनआईटी से बीटेक होना चाहिए या फिर सेलेक्टेड कॉलेज। अब ये सेलेक्टेड कॉलेज कैसे आपको पता चलेगा कि आपका कॉलेज इन सेलेक्टेड कॉलेज में है, तो उसके लिए यहाँ इन्होंने अपने एक मेल दे रखा है, उस मेल पर आप मेल करेंगे और पूछ लेंगे कि आपका जो कॉलेज है वो इनके लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी बात, एक इन्होंने बोल रखा है कि अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो 2022 में या 21 में तो फिर आप अपने टॉप 5 रैंक होल्डर होने चाहिए अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, अगर जनरल कैटेगरी से, ओबीसी से, अगर एससी एसटी से हैं तो टॉप 10 में भी अगर आ रहे होगे तभी भी चल जाएगा। ठीक, ये और ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी और जो ग्रेजुएट हुए हैं 2022 में या 21 में उनका सीजीपीए 6 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़। तो एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो है 6 मार्च, यानी कि एप्लीकेशन ओपन हो चुके हैं। आप चाहो तो इनकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। आप टाइप करेंगे गूगल में कि अर्ली एडमिशन एमटेक फ्रॉम आईआईटी गांधीनगर तो आपको पता चल जाएगा। 17 मार्च तक आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमारे पास जो है ये मैंने वेबसाइट उनकी ओपन कर रखी है। इस ओपन वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि यहाँ इंपॉर्टेंट डेट लिखी हुई है, 6 मार्च को एप्लीकेशन डेडलाइन है, 17 मार्च को जो भी हमारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे उनका टेंटेटिव अनाउंसमेंट है, और 21 से 27 मार्च के बीच में इंटरव्यू होगा, और 11 अप्रैल को ये रिजल्ट अनाउंस कर देंगे कौन कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ये और नीचे अगर आप जाएंगे इसी में तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे रखा है। अगर मैं उसको ओपन करूँ तो यहाँ दे भी रखा है स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट, ये लाइन को आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो कॉलेज है वो एलिजिबिलिटी में आता है या नहीं। स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट अस एट, ये यहाँ पर आप ये मेल कर दीजिएगा academics@iitgn.ac.in, ओके, तो आपको पता चल जाएगा, वहाँ से जो रिप्लाई आएगा उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है उन सभी के लिए जो गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए लेकिन उनका ड्रीम है कि वो आईआईटी गांधीनगर से एमटेक करें। ओके, तो आप इसको फॉर्म को भर दीजिएगा जितनी जल्दी हो सके क्योंकि लास्ट डेट करीब है, और फिर आपका अगर एडमिशन इसमें हो जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं
कि यस सर मेरा एडमिशन हो गया है, ठीक है, और मैं आईआईटी गांधीनगर में सेलेक्टेड हुआ हूँ। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं आपके साथ, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू वेरी मच।